देख भाई, 10,000 के अंदर बहुत सारे फोन्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा अच्छा है क्या आपको पता है? ही व्यूअर्स, तो की हाल चल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट फोन्स के बारे में जो आपको 10,000 के अंदर में देखने मिलते हैं, जो पबजी के लिए या कैमरा के लिए बेस्ट रहेगा। तो बहुत सारा कमेंट मुझे हर दिन आता है कि 10,000 के अंदर कोई बेस्ट फोन बताओ, कैमरा के लिए कोई बेस्ट फोन बताओ, पबजी के लिए कोई बेस्ट फोन बताओ, बैटरी के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में सभी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो टिल द एंड देखना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना जिनको नया फोन चाहिए। तो चलो नई वीडियो स्टार्ट करते हैं आप बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो हो सकता है आज के इस वीडियो में भी आप बोले कि हर दिन एक ही फोन बताता है, लेकिन आज के इस वीडियो में चार फोन के बारे में बात करने वाले हैं। वो मार्केट के सबसे डिमांडेबल फोन है, और हर दिन मुझे कमेंट आता है कि इन चारों में से कौन सा फोन मैं परचेस करूँ, कौन सा अच्छा रहेगा, रियलमी का फोन या रेडमी का फोन या वीवो का फोन। तो आज के इस वीडियो में सभी आपका डाउट क्लियर मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो अभी स्टिल द एंड देखना, क्योंकि एंड में मैं कंक्लूजन करूँगा आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा गेमिंग के मामले में फोन, या कैमरा के मामले में, या डिस्प्ले के मामले में, या बैटरी के मामले में। तो प्लीज वीडियो टिल द एंड देखना ताकि आपके लिए बेस्ट फोन मैं बता पाऊँ। तो इस लिस्ट का जो हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन आता हुआ था Realme का 3 Pro। तो बात करें प्राइसिंग के ऊपर, तो 9,999 में देखने को मिलता है। कुछ की हाइलाइटिंग फीचर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पावर से रिलेटेड है। तो स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में सबसे ऑसम प्रोसेसर है जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आता है। 6.30 इंचेस का फुल HD प्लस वाला एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 25 MP का सेल्फी कैमरा है जो आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर्स क्लिक कर लेगा, सेल्फी क्लिक कर सकता है। बैक साइड में कोई डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 16 MP का, सेकेंडरी कैमरा 5 MP के साथ में आता है। 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज एंड 6 GB की रैम 128 GB स्टोरेज के साथ में अवेलेबल है। 4045 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलता है, तो एंड्रॉइड 9.0 पे काम करता है। तो कुछ इस तरह देखने मिलता है रियलमी का 3 प्रो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में जो आता है रेडमी का नोट 8। बात करें कुछ की हाइलाइटिंग फीचर को, तो स्नैपड्रैगन 665 देखने मिलता है। 6.30 इंचेस का आपको फुल HD प्लस वाला एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच डिस्प्ले देखने मिलता है। 13 MP का फ्रंट कैमरा है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 MP का, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा 2 MP का एंड फोर्थ कैमरा भी 2 MP के साथ में आता है। 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज, 4000 mAh का मैसिव बैटरी जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, और 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में अवेलेबल करा दी। तो इसी बात से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसमें से आप अपनी बैटरी को और जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्मार्टफोन आता हुआ है रियलमी का 5S। बात करें कुछ की हाइलाइटिंग फीचर के, तो स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो 6.50 इंच के HD प्लस वाला डिस्प्ले के साथ आता है, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट के साथ में देखने को मिलता है। ये याद रखना 720p वाला डिस्प्ले है, जो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। 13 MP का फ्रंट कैमरा। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 48 MP का, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा 2 MP का एंड लास्ट कैमरा भी 2 MP के साथ में आता है। 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। 5000 mAh का मैसिव बैटरी है, जो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। बात करें इस लिस्ट के जो हमारा फोर्थ स्मार्टफोन के बारे में आता है वीवो का U20। ये फोन भी नया लॉन्च हुआ है, वीवो का U10 का सक्सेसर है U20, जिसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर, जो स्नैपड्रैगन 665 से एक कदम ज़्यादा आगे चलता है। 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला वाटर ड्रॉपलेट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो 16 MP के फ्रंट शूटर के साथ में आता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 16 MP का, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा 2 MP के साथ में आता है। बात करें रैम के ऊपर, 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट करता है। बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको चार फोन बताया, ये चार फोन आपको लेने चाहिए 10,000 के अंदर, लेकिन अब सवाल उठता है इस चारों फोन में से कौन सा फोन मेरे लिए अच्छा होगा। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक फीचर, कंपैरिजन करते हैं कौन सा फोन ज़्यादा आगे रहता है किस मामले में। तो अगर कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 710 जो आपको रियलमी 3 प्रो में देखने मिलता है, रेडमी नोट 8 से और रियलमी के 5S से, तो इसमें साफ साफ दिया जाता है 710, क्योंकि थोड़े मोड़े मामले में रियलमी का 3 प्रो ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिला देगा, क्योंकि 10 या 5% 710 ज़्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 665 से अगर आप कंपेयर करें तो। अगर वही कंपेयर करें वीवो के U20 से रियलमी 3 प्रो का प्रोसेसर को, तो इसमें आपको वीवो का U20 जीत जाता है। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं, तो अगर आपको 11,000 का अगर आपका बजट है, तो आप वीवो के U20 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और गेमिंग चाहिए, तो वीवो का U20 जीत जाता है ये तीनों प्रोसेसर में से। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली 10,000 में अटके हुए हैं, 10,000 के अंदर में ही आपको फ़ोन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रियलमी का 3 प्रो प्रोसेसर के मामले में। अब डिस्कस करते हैं कैमरा के मामले में कौन सा फ़ोन ज़्यादा आगे रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं रियलमी का 3 प्रो में आपको ड्यूबल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 16 MP का, सेकेंडरी कैमरा 5 MP का है। तो इसमें साफ साफ रियलमी का 3 प्रो हार जाता है, ज़्यादा अच्छा आपको सेंसर देखने को नहीं मिलता है। पुराना फोन है, पुराना सेंसर है, और कैमरा का मेगापिक्सल भी आपको कम देखने को मिलता है, ड्यूबल कैमरा है, बाकी सब में आपको क्वाड है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में रेडमी नोट 8 एंड रियलमी का 5S जीत जाता है। तो इन दोनों के फ़ोन में आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के फ़ोन का कैमरा सेम है,
1-2% के ऊपर नीचे होगा, बाकी सब तो प्रोसेसिंग स्पीड में ही डिपेंड, प्रोसेसिंग में ही डिपेंड करता है कि फोटो कैसा आता है। लेकिन दोनों फोन का कैमरा सेम है, तो इस कैमरा के मामले में Realme का 5S और Redmi Note 8 जीत जाता है इन दोनों में से आप कोई फोन। तो अगर आपका कैमरा कनेक्ट है तो इन दोनों में से आप कोई फोन परचेज कर सकते हैं। अब यही बात करते हैं बैटरी के ऊपर। तो बहुत लोगों को बैटरी का फ़ोन चाहिए होता है, ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन चाहिए होता है, तो इसमें मैं बताऊँ तो अगर बैटरी के मामले में बात करें तो Redmi का नोट 8 का सबसे कम बैटरी इसमें देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी। लेकिन ये जान लो कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इस फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। 18W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें Realme 5S का, जिसमें 5000 mAh बैटरी है लेकिन फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको बैटरी का नीड है तो आप Vivo के U20 के साथ जा सकते हैं, नहीं तो Realme का 3 Pro भी अच्छा है, उसमें आपको सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, 4045 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो बैटरी के मामले में आपके लिए U20 ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। अब बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, कौन सा डिस्प्ले सबसे अच्छा रहेगा चारों फोन में से, कौन सा सबसे अच्छा डिस्प्ले है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बहुत ही सुंदर डिस्प्ले चाहिए, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा Vivo का U20, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे बड़ा डिस्प्ले 6.53 inches का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो बहुत ही अच्छा कलर प्रोड्यूस करता है। बाकी सब भी डिस्प्ले अच्छा है लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्ले इसका है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा Redmi का नोट 8, जिसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। सबसे खराब इसमें डिस्प्ले है Realme का 5S का, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है 720p का डिस्प्ले, रेजोल्यूशन कम है, मतलब आपको देखने को थोड़ा अच्छा नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है। अगर आपको प्रोसेसर और फोन चाहिए तो आप Realme के 3 Pro को ले सकते हो या Vivo के U20 को ले सकते हो। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो आप 5S को ले सकते हो, नहीं तो Redmi के नोट 8 को ले सकते हो। अगर आपको बैटरी चाहिए तो आप Redmi के 8 को ले सकते हो, नहीं तो Vivo के U20 को ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा आपके लिए और कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। इसी के बस मिलते हैं, मिलकर करते हैं अपने ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।